हेलो दोस्तों, कुकिंग विद सलमा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे, ठंड का मौसम है, मटर का सीजन है, फूले फूले मसालेदार मटर की पूरी आज हम बनाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। आप कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप आसानी से बना सकते फूले फूले मसालेदार पूरी। चलिए हम रेसिपी को चालू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले ये अदरक का टुकड़ा इस तरह से काट लें, और एक हरी मिर्च, इसको हम दरदरा कर लेंगे मिक्सी में। साथ ही साथ थोड़ा सा जमाइन भी डालेंगे, और थोड़ा खड़ा जीरा, इसको भी इसी के साथ दरदरा करना है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद देख सकते हैं हमारा दरदरा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे इसी के साथ मसाला मटर डालेंगे एक बाउल, इसको भी हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा मटर पूरा पेस्ट हो चुका है, हरा मटर, और जो अदरक और हम सारा जो मटेरियल डाले थे, जीरा, जमाइन, लहसुन, अदरक और मिर्चा, को इस तरह से पेस्ट बना के हम अच्छे से निकाल लें। एक बर्तन में खाली कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम स्वाद अनुसार नमक, हल्का हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, हल्का धनिया पाउडर, एक चुटकी गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हींग, इस तरह से बुक के आप डाल दें। थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे सबसे पहले हम सूजी, सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मोम डालेंगे, हाफ छोटा डब्बू से हाफ डब्बू मोम इसमें डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हम अच्छे से मिक्स करके को छोड़ देंगे फूलने के लिए। कि सूजी अच्छे से फूल जाए और गल जाए, तब इसमें हम आटा डाल के गूंदेंगे, आपको दिखाएंगे। जो मटर का बचा हुआ पानी था, उसको भी हम इससे अच्छे से धो के में डाल देंगे, जो बचा हुआ है। तो अच्छे से मिक्स करने मिलाने के बाद लगभग 10 मिनट के लिए हम इसको फूलने के लिए छोड़ दें, जो सूजी हमारा अच्छे से फूल जाए। लगभग 10 मिनट हो चुका है, हमारा सूजी बिल्कुल इसमें घुल चुका है। अब हम इसको आटा डाल के गूंदेंगे। आप मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आटा यूज करेंगे। इसको जिस तरह से पूरी का आटा गूंदते हैं, उसी तरह से इसको हम गूंदेंगे। पहले इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक बार सारा आटा नहीं डालें, जरूरत अनुसार आटा डालें, मिक्स कर करके। थोड़ा सा आटा और लगेगा। को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा चम्मच हम हटा लेते हैं हाथ से, कोई अच्छे से मलार दे देते हैं, गूंद लेते हैं अच्छे से। अच्छे से इसको हम गूंद लेंगे कि अच्छे से हमारा जो पूरी है अच्छे से बेला जाए। ये सारा आटा डाल देंगे हम इसमें। लगभग
200 ग्राम आटा इसमें हम डाले हैं, एक बॉल सूजी को अच्छे से गूंद के हम लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे गूंदने के बाद, कि अच्छे से आटा हमारा फूल जाए, तब हम पूरी आपको फूला फूला पूरी बना के दिखाएंगे। पहले इसको अच्छे से गूंद लेना है। इसी तरह से मलाड़ दे के अच्छे से गूंद लेना आटा। हमारा आटा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आपको हम पूरी बना के दिखाएंगे किस तरह से पूरी बनाना है। कढ़ाई में तेल चढ़ा लेते हैं, लगभग 1 लीटर। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। इस लगभग 10 मिनट हो चुका, हम इसको सारा गोली काट लेते हैं। इस तरह से कट कर ले। कट करने के बाद इस तरह से लंबा करके आप एक साइज में गोली काट सकते हैं। ये हमारा सारा गोली काट चुके लोई। अब इसमें हम थोड़ा सा मोम लगा देंगे रिफाइंड, जो आपका आसानी से बेलने में परेशानी ना हो, अच्छे से बेला जाए। तो हल्के से तेल लगा देना है, इस तरह से मिक्स कर लेना है, आपका जो है आसानी से बेलने में कोई कठिनाई ना हो। इस तरह से तेल लगा के रख ले, तेल को गर्म होने दे। अब आपको फ्राई करते हुए दिखाएंगे किस तरह से फ्राई करना है। अब हम बेलेंगे पूरी को इस तरह से, एक लोई उठा के इस तरह से आप दाबे, हल्के हाथ से दाब के। इस तरह से बेले, बेल के तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, को अच्छे से फ्राई कर लें, को अच्छे से तल लें। बिल्कुल फुला फुला पूरी आपका तैयार होगा और बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। को दोनों तरफ अच्छे से सेक लें। आपका मटर कचौरी तैयार हो चुका है। इसी तरह से बारी बारी करके सारा पूरी आप एक बार में 3-4 छान सकते हैं। फूला फूला पूरी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से बारी बारी करके आप सारा फ्राई कर ले। इसी तरह से सारा पूरी आप फ्राई कर लें, 3-4-1 जितना आपको असुविधा हो, आसानी हो, उस तरह से आप फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल फूला फूला बनेगा। और आपका मसाला पूरी तैयार हो चुका है। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट, दोस्तों और मेहमान को खिलाएं। कोई भी गेस्ट आ जाता है आपके घर पे, आप बना के खिलाएं, बहुत
आप तारीफ पाएंगे।